मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केवल राजनीतिक दलों में ही बगावत नहीं है, समाज भी बगावत पर उतर आए हैं। एक ऐसा समाज है जो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट नहीं देने की अपील कर रहा है। कौन सा समाज है ये और कौन सा ये राजनीतिक दल है जिसे वोट नहीं देने की अपील ये समाज कर रहा है? हमारे साथ हैं लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश नरवरिया जी, पूरा ये मामला जो है तफसील से बताइए। देखिए क्या है, एक लंबे समय से पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है। लोधी समाज लोधी लोधा समाज हमारा लगभग भाजपा को वोट, क्योंकि सुश्री दीदी उमा भारती उसमें रही, प्रहलाद पटेल लोग रहे, अन्य जो हमारे नेता भाजपा से ही रहे, लेकिन निरंतर ये पार्टी भाजपा जो है समाज को नकारने का काम, दबाने का काम और इसको कमजोर करने का काम निरंतर करती रही। इसलिए हम पूरे प्रदेश में इस बार समाज से अपील कर रहे हैं कि इन्हें हमें पुरजोर तरीके से सबक सिखाना है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से सबक सिखाना है और पूरे प्रदेश में हराने का काम हम लोग करेंगे इस बार। नहीं तो वजह क्या है, इसकी मूल वजह क्या है? क्या ये कि उमा भारती जो हैं उन्हें इस बार के चुनाव में तवज्जो नहीं मिली, स्टार प्रचारक बतौर उन्हें पार्टी ने नहीं उतारा, एकदम किनारे कर दिया? देखिए स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया, और अगर आप 15 17 18 सालों से देखें जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटी हैं उन्हें निरंतर नकारा जा रहा है, उनके कोई काम नहीं होते, उनकी वजह से पूरे समाज के काम भी रोक दिए जाते हैं और अन्य जो हमारे नेता हैं उन्हें भी दबा के रखा जाता है, अधिकारियों को परेशान किया जाता है, अन्य प्रकार के केस लगाए जाते हैं। वो तो शपथ दिलवा रही हैं लोधी समाज को कि वोट देना है बीजेपी में, वोट देना है आपके समाज की? नहीं नहीं, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में हमसे खुल के बोला, 25 दिसंबर का एक भोपाल में कार्यक्रम था, उन्होंने उसमें खुल के ये बात बोली कि मैं कितना ही प्रचार में आऊं, कितना ही आपसे बोलूं, आपको बिल्कुल वोट नहीं देना, आप मेरी तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो आपके हक अधिकारियों की बात करेगा आपको वोट उसी को देना है। क्योंकि आप देखिए एक अभी का मामला बताता हूं आपको, सारे समाजों के इन्होंने वोट के गठन करे, हमने रानी अवंती बाई वोट के गठन की बात की थी, लेकिन समाज को नीचे दिखाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए उन्होंने वो भी नहीं करा, जबकि इतना मतलब बीजेपी में ऐसा तो नहीं है कि आपके समाज को प्रतिनिधित्व ना मिल रहा हो। इस वक्त प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले आखिरी दौर में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ उसमें भी लोधी समाज का नेतृत्व था। नहीं, ये बात मैंने पहले भी आपसे बोली कि सिर्फ एक दो तीन महीने के लिए इन्होंने मंत्री बनाए, सिर्फ बोर्ड लेने के लिए, यूज करने के लिए, और जहां तक माननीय प्रहलाद पटेल जी की बात है तो ये अपमानित करने की अति है कि आप हमारे नेता का चेहरा दिखाकर फिर वोट लेना चाहते हैं, जबकि सबको पता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। भाई आपने नरेंद्र सिंह तोमर जी से ग्वालियर में बोला, वहाँ की पब्लिक से बोलना है कि वो उनको बनाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी से बोलना है कि उनको बनाएंगे, किस किस को बनाएंगे, किसी को नहीं बनाएंगे, ये झूठी बात है और ये तो और अपमानित करने वाली बात होगी, आगे चल के साबित होगी, देख रहा हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि आपका समाज अगर इस तरह की अपील करता है तो उसका कोई असर होगा? कितनी ताकत है आखिर लोधी समाज? देखिए 65-20 सीटों पर तो हम निर्णायक भूमिका में, और अगर 5,000 से 10,000 से स्टार्ट करें 100 सीटों पे हम असर डालते हैं, और जब हम नीचे पूरा प्रदेश घूमे तो हमने ये चीज़ देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेताओं से भी बोल के रखा है, अधिकारियों से भी बोल के रखा है, अन्य विभागों में बोल के रखा है कि इन लोगों के कोई काम नहीं करना, हमें पीछे दबा के रखना है। लोग इतनी तकलीफ में हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता उसकी वजह से, और आप सब सारी चीज़ें लोग समझने लगे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन में बीडी शर्मा जी को एक आदमी नहीं मिला उनके गठन में, भाजपा संगठन में लेने के लिए एक कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं है, मंत्री जब बनाया तो एक महीने के लिए बनाया आपने, तो ये स्थिति आप और खराब करते जा रहे हैं। और जब आपने प्रहलाद पटेल जी का नाम लेके आए तो ये सिर्फ वोट के लिए यूज करने के लिए लेके आए, अगर आपको करना ही था तो आप ओपन कर देते, पूरा समाज वोट देता और एक नाम होता तो भी मान लेते, आप किस किस को बनाएंगे? फग्गन सिंह, आपके ही समाज से इतने बड़े नेता हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो ये जो समाज की आवाज है, जो अपील है बीजेपी को हराने की, बीजेपी को वोट न देने की, वो कितना असर कर पाएगी? देखिए क्या है कि और उसमें नुकसान आपका भी है, आपके भी बड़े नेता हैं। देखिए वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के ईमानदार सिपाही हम बोल सकते हैं, जहां तक माननीय प्रहलाद पटेल जी की बात है तो वो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ईमानदारी से राजनीति करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने भाषण में या मंच पे समाज की बात नहीं की और उनकी तरफ से हमेशा पूरा समाज स्वतंत्र रहा। रहा सवाल दीदी उमा भारती जी का, तो उन्होंने स्वयं मंच से बोला है, मैंने उस वीडियो को भी चलाया, आपको दूंगा आप देखना, उन्होंने स्वतंत्र बोला कि इस बार बिल्कुल मेरे आने से, मेरे कहने से आपको वोट नहीं देना है, जो लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, निरंतर कमजोर करना है, उनको आपको हराने का काम इस बार करना है।
तो एक तरफ जब मध्य प्रदेश में चारों तरफ अलग अलग राजनीतिक दल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वोटर के बीच पहुंच रहे हैं और समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, ये जो समाज है लोधी समाज, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? किस तरह आप ये जो आपने अब आंदोलन छेड़ा हुआ है एक पार्टी के खिलाफ, वो किस तरह बढ़ रहा है? देखिए, हमने एक कंप्लेंट भी छपाया हुआ है जिसमें बाकायदा पूरे बिंदु बताए हुए हैं जो हमारे लोग पूरे प्रदेश में, इस बार आप देखना पूरे प्रदेश में लाखों में हमारे कंप्लेंट बैठेंगे और एक एक बिंदु, मतलब जिसमें एक सब भी आपको झूठ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें हमने बताई हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग आज की मतलब समय में समझदार हैं। और ये जो लोग झूठ बोल बोल के जो करते हैं, ये अब ज़्यादा चलेगा नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचार की अति है, अत्याचार की अति है और कई सारे विषय जो आपको पता ही हैं जिससे पूरा प्रदेश नाराज है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस बार बागी जो हैं वो केवल सियासी दलों में ही नहीं है, समाजों की तरफ से भी इस तरह की बगावत